जो एक एक मत अपने अच्छे, मैं ये नहीं कहती गोपाल कांडा जी ने आपका काम किया है, आपके भाई काम, उनके एहसान तले दबो, बिल्कुल नहीं दबना, अपने धर्म की जय करनी है। आपने एक एक वोट अगर उस जगह लगा दिया, अपना मत अपनी मर्जी से दिया है, किसी के बहकाव में मत देना। आज मैं आई, मेरे बहकाव में मत दो, मैं नहीं कहती मेरे बहकाव में रहो आप, सिर्फ और सिर्फ ये शिक्षा संतों की नगरी है तो संतों का ही राज लाना, आप लोगों दुष्टों का राज नहीं लाना, ये आपने अपने मन में आज सोच लेना है। नमस्कार, मैं हूं मनमोहित और आप देख रहे हैं प्रेस वार्ता एक नज़र के एक खास स्पॉट। सरस्वती कांडा जी हमारे साथ हैं। माता जी, कैसा प्रचार चल रहा है? जी, इसका वर्णन शब्दों में नहीं होता। जो समुद्री जहाज है, जो समुद्र उमड़ रहा है, आज हम देख रहे हैं पूरी जनता समुद्र है, तो वो जनता इतनी उमड़ रही है कि जहाज तो अपने आप चलेगा, इससे ज्यादा मैं क्या बोल सकती हूँ, बताओ। अच्छा, लगातार लोगों के बीच जा रही है मैडम, किस तरह का रिस्पॉन्स मिल रहा है? इतना अच्छा मिल रहा है कि जहाज अपने आप ही चल रही है, चलाने की जरूरत ही नहीं पड़ रही। जो एक तरफा माहौल हो रहा है और समर्थन और प्यार इतना मिल रहा है, और जो मेरी माताओं बहनों का जो आशीर्वाद प्यार मिल रहा है, वो शब्दों में वर्णन नहीं कर पा रही मैं। हाँ, अभी आपका मैं भाषण सुन रहा था, आप कह रहे थे कि संतों की जीत सिरसा में करवानी है, क्या कहेंगे? देखिए जी, मेरा क्या, जो मेरे विचार है ज़्यादातर 99% माताओं के बहनों के भी यही विचार है। ये सिरसा नगरी सिर्फ संतों की नगरी है, इसमें मैं ये नहीं चाहती कि भाई चलो माध्यम बने हैं, आपके भाई गोपाल कांडा जी माध्यम बने हैं, सेवादार बने हैं, लेकिन उन्होंने जीत किसकी करानी है, धर्म की जीत करानी है, मेरी यही तमन्ना है। लोगों का इतना प्यार जब जाते हैं तो और क्या उम्मीदें बताते हैं आप? जो काम उनके अधूरे हैं वो जरूर पूरे होंगे, ये उनको भी पता है, और जो उनकी माताएं बहनें जो बेरोजगारी की वजह से उनके बच्चे पति जो गलत संगत में जा रहे हैं, वो मैं चाहती हूँ कि जीत के बाद उनके ये सपने पूरे हो, वो सपने पूरे भी होंगे जरूर उनके। कुछ ही दिन बचे हैं, पूरे चुनाव की बात करें तो कुछ ही दिन बचे हैं, तो अब आगे की पूरी प्लानिंग क्या रहेगी? आपका पूरा परिवार चुनावी रण में है, लोगों के बीच लगातार जा रहा है, अब आगे क्या पूरी प्लानिंग रहेगी, कैसे अंतिम दिनों में जाएगा? देखिए जी, अंतिम दिनों में तो जा ही रहे हैं सारे, अब तो लास्ट ही हो रहा है सब जी। तो ये मतलब एक तरफा ही हो रहा है, मेरा तो यही मानना है कि जनता पूरी साथ है, मातृशक्ति साथ है, नारी शक्ति साथ है, जहाँ नारी है वहाँ किसी तरह की रुकावट नहीं आ सकती। अच्छा, सामने गोकुल है और वो बार बार कह रहे हैं धन बल का बड़ा प्रयोग होगा। देखिए जी, अपने जो भी पक्ष में है जो भी है, अपने अपना प्रयास सभी करते हैं, मॉनिटर तो क्लास में एक ही बनता है ना जी। वही है जी, देखो अपना प्रयास करेंगे वो अपनी जगह करेंगे, हम अपना कर रहे हैं। तो मान के चले कि बड़े मार्जिन से प्यार जीतेगा, बहुत ज्यादा बड़े मार्जिन से। प्यार तो हमेशा से जीतता है जी, प्यार तो हमेशा से जीतता है, बिल्कुल। मैं तो यही कहूंगी, जो ये हमारा नारी शक्ति है ना, ये बेड़ा पार लगवाएगी हमारा, चिंता मत कीजिए। और कथाएं के लिए बोल रहे हैं तो कथाएं तो ऐसे ही होती रहेगी, इसको तो कोई रोक ही नहीं सकता है। प्यार की हमेशा से जीत होती आई है जी, आज भी सतयुग से ही प्यार की जीत होती आई है। और ये आप लोग यहाँ पे देख ही रहे हैं, अथाह समुन्दर में कितनी लहरें हैं, ये आप गिन ही नहीं सकते, ये हम लहरें हैं, और ये लहरें ही बेड़ा पार लगवाएंगी, और ये हमारा जहाज है, ये समुन्दर का सीना चीरता हुआ विजय की तरफ ही जाएगा। ताकि अधिक से अधिक लोगों तक तमाम ही जानकारी पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद।